हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ, जो कि प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 होगा। नो बकवास, नो ड्रामा, ओनली जो है पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर आपको और ज़्यादा बेहतर नंबर उठाना है और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करना है तो हमारे इस वीडियो पर ध्यान से बने रहिए। आपके लिए लेकर के आ गए हैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो, जो कि आपका एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा नंबर देने वाला है। एक एक वीडियो आपको पढ़ना है इस चैनल पर, तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार मैं और बता दूं आपको कि आज के इस वीडियो में हम लोग 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इससे पहले और भी सारे वीडियो में आप लोग देख चुके हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे पढ़ाई हो चुका है और ये भी पढ़ाई हो चुका है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इससे पहले वाले वीडियो में हो चुका है। आज के इस वीडियो में ये 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि जो आप क्वेश्चन समझिएगा, पढ़िएगा, उसी से ना आप लोग आगे कर पाइएगा। तो यहाँ पे कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। यहाँ पे संकेत भी लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है, यह मान लीजिए कि थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आपको पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो लीजिए और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे पढ़ लीजिए, कह रहा है कि यहाँ पे एक्स कोई पूर्णांक है, तब 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि वर्ग को 3m या 3m के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस लोग को दर्शाना है कि इस रूप में 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, जहां हम लोग 3q+1 या 3q+2 ले सकते हैं, ठीक है, ये कहना है। तो चलिए, इसको जो मैं पेज को थोड़ा सा कट कर देता हूं, इसको हटा देता हूं, क्योंकि आप लोग समझ ही चुके हैं। तो अगला जो है पेज यहां पे आने से पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको कर देता हूं क्लियर, ठीक है। और ये जो है क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम लोग हल करेंगे, तो हल करने से पहले हमें लिखना होता है कि क्या हल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं हल, ठीक है, हल। हल के बाद हमारा होता है पहला स्टेप, हम लोग का पहला स्टेप जो होता है यहाँ लिखना पड़ता है जो हम लोग मानते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, तथा b बराबर क्या होगा, तथा b बराबर हमारा हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3m या 3m+1 कह रहा है, क्या कह रहा है, 3m या 3m+1 कह रहा है, तो 3 हमारा b हो जाएगा। तो यहाँ b बराबर हम लोग का लेंगे 3, ठीक है, b बराबर हम लोग ले लिए 3, ठीक है। उसके बाद हम लोग का काम यही है कि जिस नियम से बना रहे हैं उस नियम को फॉलो करना। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं यूक्लिड विभाजन से, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड लीड विभाजन विभाजन प्रमेयिका का से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। इसका जो है कंडीशन होता है जहां आर यानी जीरो बड़ा या बराबर, जीरो छोटा या बराबर हो सकता है आर से, और आर छोटा होगा बी से, ये कंडीशन है इसका, ठीक है। अब जो है इतना तो समझ में आ गया है, थोड़ा वीडियो लाइट चला गया है तो थोड़ा क्लियर नहीं आएगा, पर ये वीडियो बोर्ड आपका क्लियर दिखेगा, ठीक है। चेहरा मेरा क्लियर दिखे या ना दिखे उससे कोई मतलब नहीं है, बोर्ड क्लियर दिखेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब जो है
यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या काम कि यहाँ हम लोग जो जो लिए हैं शेषफल वो हम लोग लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे a बराबर 3q, 3q होगा और प्लस r, ठीक है, जहाँ जहाँ 0 बड़ा या बराबर, 0 छोटा या बराबर हो सकता है r से, और r छोटा होता है b से, ठीक है। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब 3 लिखने के लिए शेष अगर कह रहा है, जब आपका भाजक ही 3 है तो भाज शेष कितना आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है या 0 आ सकता है। तो यहाँ आप लोग लिख देंगे शेष फल या r भी केवल लिख सकते हैं आप इंग्लिश में, तो r बराबर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा जैसे आएगा तो कट जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि अब जो हम शेषफल लिख दिए हैं, तो जब हम लोग यहाँ पे जब r बराबर, यानी r बराबर शेषफल बराबर 0 लेंगे तो क्या होगा, तब हमारा क्या होगा, तब हमारा हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 0, इसमें लेंगे r के जगह तो 0, तो केवल क्या हो जाएगा, 0 कोई वैल्यू नहीं है तो 3q हो जाएगा। अब फिर जब हम लोग क्या लेंगे, अब जो है जब इतना ले लेंगे उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसका वर्ग कर देना है, क्या कर देना है, वर्ग कर देंगे, या आप दोनों स्टेप तीनों स्टेप यहीं पर निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है r का वैल्यू 1, 2, 0, 1, 2, 3 यहीं पर रख सकते हैं या बाद में भी रख सकते हैं। तो फिर लिख दीजिए, दोनों तीनों यहीं पर लिख देते हैं, जब r बराबर 1 होगा तब क्या होगा, तब हमारा a बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा, और जब आपका वैल्यू r बराबर 2 रख देंगे तब क्या होगा, तब a बराबर 3q प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो गया, जाहिर सी बात है। अब इसका मेन मुकाबला अब चालू होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। अब मेन जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, अब केस 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केस 1, ठीक है, केस 1 का काम करेंगे। तो केस 1 में हम लोग को पहला वाला लेना है, कौन सा, पहला, ठीक है। तो इसको हम लोग 3q क्या करेंगे, को वर्ग करेंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन में बोला था वर्ग करना है, तो वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे 3q का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी वर्ग कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 3 का 9, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या चीज़, 9, तो यहाँ लिख देते हैं 9, आ क्यों का, तो क्यों पर भी स्क्वायर है तो क्यों स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया इतना। अब इसका जो है हम लोग निकाल लेंगे क्या चीज़, इसमें में से हम लोग कॉमन ले लेंगे 3, क्योंकि 3m के रूप में लाना है, तो 3 3 का कितना हो जाता है 9, तो 3 और क्यों, तो क्यों स्क्वायर है, तो क्यों स्क्वायर हम लोग ले लेंगे। अब ये जो कोष्ट के अंदर है, इसी कोष्ट के अंदर जो है इसी को हम लोग मानेंगे m, ठीक है। तो जब m मान लेंगे तो ये 3 है, कितना है, ये है 3, तो 3 लिख लेंगे, और इसको हम लोग मान लिए m, तो क्या हो गया 3m। जहाँ हम लोग का माने हैं, जो लिखेंगे कि जहाँ m बराबर हम लोग क्या मान लिए हैं, m बराबर हम लोग मान लिए हैं कितना, 3q स्क्वायर, m बराबर हम लोग का मान लिए हैं 3q स्क्वायर, ये हो गया। अब जो है केस 2 का काम करेंगे, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। केस 2 जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, केस 2 वाला ये जो होता है उसको हम लोग काम करेंगे, जैसे यहाँ पे ये दूसरा वाला का काम करेंगे, पहला वाला काम कर लिए हैं, अब ये 3q प्लस 1 वाला का काम करेंगे केस 2 में, ठीक है। तो 3q प्लस 1, तो यहाँ लिख लेंगे केस 2, ठीक है, तो केस 2 लिखेंगे, तो जब केस 2 लिखेंगे तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा कौन सा रूल लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला रूल लगेगा। तो इसको आप मान लीजिए a, किसको, इसको मानिए a
और ये है आपका बी, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस होगा तो माइनस, अगर प्लस होगा तो प्लस टू ए, यहाँ पे गुणा रहता है छुपा हुआ, लिख देते हैं बी, टू ए बी, ठीक है। तो इसी तरह आप वैल्यू रख लीजिए, तो ए के जगह देखिए कितना है, ए के जगह है थ्री क्यू, तो थ्री क्यू लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं थ्री क्यू, तो यहाँ लिख लेंगे थ्री क्यू का स्क्वायर है तो स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे है प्लस तो प्लस, अब बी के जगह देखिए वन है तो वन का स्क्वायर कर लेंगे, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, और टू है तो टू लिखेंगे, और फिर गुणा है तो गुणा, ए के जगह क्या है, ए के जगह थ्री क्यू है तो थ्री क्यू, और गुणा है तो गुणा, और बी के जगह वन है तो वन। अब यही काम यहाँ पे हम लोग करेंगे, तो तीन तीर का नौ, तीन का स्क्वायर कितना हो जाता है, नौ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे नौ, और क्यू का स्क्वायर क्या होगा, क्यू होगा, क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू, तो वहीं क्यू लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस वन का स्क्वायर कितना आता है, वन आता है तो वन लिखेंगे, और फिर प्लस है तो प्लस, और तीन दुना छः, तो तीन दुना कितना होगा छः, और क्यों है तो क्यों, और वन से फिर छः क्यों में गुणा करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, तो सिक्स क्यों ही रह गया, ठीक है। अब जो है इसको हम लोग एक बार बदला बदली कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है क्यों और क्यों पहले रहेगा, तो नाइन क्यों स्क्वायर प्लस सिक्स क्यों प्लस वन, वन को इधर बाहर कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग को करना है, कॉमन लेना है थ्री, तो जब थ्री कॉमन लेंगे तो थ्री क्यों क्या हो जाएगा, थ्री क्यों स्क्वायर, और फिर प्लस तीन दूना छः, ये कितना बार में जाएगा छः, तो तीन दूनी छः, तो टू क्यों, और फिर प्लस है तो प्लस ओवर वन, तो वन को रहने देंगे, इसको बाहर ही कर देंगे, क्योंकि थ्री एम प्लस वन का रूप करना है, तो यहाँ ला देंगे क्या चीज़, थ्री एम प्लस वन, तो यहाँ प्लस वन। अब जो ये अंदर लिए हैं इसे हम लोग क्या मान लेंगे, इसे मान लेंगे हम लोग m, इसको मान लेंगे m, तो जब m मान लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे हो जाएगा थ्री का थ्री, और ये जो पूरा है इसको m, तो m, और ये प्लस है तो प्लस, और ये वन है तो वन, तो अब देखिए थ्री एम प्लस वन का रूप का हो गया। तो अब यहाँ हम लोग कंडीशन लिख देंगे, जहाँ जो माने हैं वो तो लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ हम लोग कंडीशन लिख देंगे, कौन सा, ये वाला कंडीशन हम लोग लिख देंगे, थ्री जहाँ m बराबर हम लोग का लिए हैं, m बराबर थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू हम लोग माने हैं, ठीक है, तो ये m का कंडीशन है। अब जो है हम लोग का थर्ड नंबर केस, थर्ड है ये क्वेश्चन है, तो इसका थर्ड में क्या था, टू था, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे केस, केस थ्री, कौन सा है, केस थ्री, तो केस थ्री में क्या है, थ्री क्यू प्लस टू है, ठीक है। आ इसका हम लोग वर्ग निकालेंगे, तो वर्ग लिख देंगे कि वर्ग है, तो स्क्वायर जब करेंगे तो इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगेगा, तो ये है आपका ये और ये है आपका बी। अब वही फार्मूला है, ए बराबर ए स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी गुणा में लिख देते हैं, ऐसे लिखना नहीं चाहिए गुणा, पर आपको जानकारी के लिए ये लिख रहे हैं। तो अब जिसके जिसके जैसे ए कौन है, ये वाला है, तो इसको हम लोग जहाँ जहाँ है उसका लिख देंगे, थ्री क्यों का स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है, दो, तो दो का स्क्वायर, अब प्लस टू है तो टू, और गुणे में ए, तो ए का वैल्यू है थ्री क्यों, और गुणा में है आपका क्या चीज़, फिर आपका गुणा में है आपका बी, तो बी का वैल्यू कितना है टू, तो टू लिख देंगे। अब जो है इसको हम लोग करेंगे यहाँ से, तो तीन का स्क्वायर नौ हो जाएगा, और क्यों का स्क्वायर क्यों, और प्लस दो दूना चार का स्क्वायर चार, और प्लस तीन दूना छः, छः दूना बारह, तो बारह, और क्यों से तो क्यों, ठीक है।
अब इसको हम लोग थोड़ा सा इधर का पलटवार करेंगे, जैसे कि ये चार है तो चार को इधर लास्ट में कर देंगे, ठीक है। तो फोर और बारह को टू नंबर पर कर देंगे, बारह क्यों और प्लस फोर, ठीक है। और फोर को हम लोग दो भाग में बांट देंगे, जैसे नाइन क्यों स्क्वायर प्लस बारह क्यों प्लस थ्री और प्लस वन, तीन एक चार हो जाएगा। तो अब इसमें हम लोग कॉमन लेंगे थ्री, तो जब थ्री कॉमन लेंगे तो तीन तीर का नौ क्यों स्क्वायर प्लस तीन चौक का कितना होता है बारह, तो चार क्यों और प्लस तीन है कम तीन, तो तीन हो गया। और प्लस वन बाहर लिख देंगे, ये वन जो है बाहर कर दिए हैं, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे आपका कितना आ गया, यहाँ पे आ गया इसके जगह हम जितना है इसे हम लोग मान लिए हैं क्या चीज़ कोष्ट के अंदर है जो इसको m, ठीक है। तो जब इसको हम लोग m मान लिए हैं तो यहाँ लिखेंगे थ्री है तो थ्री, और ये पूरा को m मान लिए हैं m, और ये जो है प्लस वन है तो प्लस वन। तो देखिए तो यहाँ भी क्या आ गया आपका थ्री एम प्लस वन आ गया, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग जहाँ जहाँ m बराबर क्या क्या रखे हैं ये कोष्ट के अंदर जो जो है उसे लिख देंगे थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर फोर क्यू प्लस वन, ये हम लोग लिख देंगे। अब तो ये सब आ गया, प्रूव हो गया कि दिख रहा है कि हाँ ये ऐसा आ रहा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, लिखेंगे थ्री एम प्लस वन जो है आ सकता है, यानी इसी यहाँ लिख देंगे इस प्रकार, चलिए यहाँ लिखते हैं इस प्रकार सभी धनात्मक मत विषम पूर्णांक सिक्स, यानी क्या है थ्री एम या थ्री एम प्लस वन के रूप का हो सकता है, थ्री एम या थ्री एम प्लस, थोड़ा सा इधर नीचे लिख लेते हैं क्योंकि मेरे सर के नीचे नहीं दिखाई देगा, या थ्री एम प्लस वन के रूप का हो सकता है। यही आपका जो है प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सोल्व कर सकते हैं, इसको जूम आउट कर करके इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, तो इसको आप लोग सही ढंग से सही तरीका से देख करके बना सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।